नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। झाबुआ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ दिया धरना प्रदर्शन, जहां पर हजारों की संख्या में पहुंचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो का नारा देते हुए ज्ञापन देने पहुंची कलेक्ट्रेट। आज झाबुआ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन अम्बेडकर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पहुंची, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रों की मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपस्थित श्रीमती गंगा गोयल, प्रदेश सदस्य श्री कमला डिंडोर, जिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष श्री संदीप मेहता, जिला अध्यक्ष श्री जेके शर्मा, जिला संयोजक श्रीमती बसंती भूरिया, जिला मंत्री श्रीमती गायत्री सिंह, जिला सहमंत्री श्री राजेंद्र गोयल, जिला मंत्री आदि कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की रिपोर्ट। सर, मुझे आंगनवाड़ी को मेन में करो, उसके अलावा काम तो बराबर कर। प्रॉब्लम है कि सब काम ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है। अब जैसे इनको रजिस्टर के लिए पैसे मिले हैं तो ये स्वतंत्र है, कहीं से भी जाके कर सकते हैं। ठेकेदार जाके क्यों लेगा, वो क्यों लेगा? रूल्स नहीं, आपने विज्ञप्ति में निकाल दिया। कल 4 बजे कार्यक्रम है उत्कर्ष विद्यालय पे भैया। जमीन स्तर की सबसे निचले तबके की कार्यकर्ताएं कहलाती है। जब हम पूरा कार्य हम करके देते हैं तब ऊपर वालों को इनाम मिलता है, लेकिन हमारे कार्य की कोई भी आज दिन तक उसकी कोई वो प्रशंसा नहीं करता है। जबकि हमारा मानदेय है 10,000, हमको कभी 4500 रुपये मानदेय मिलता है, कभी 5500 मिल रहा है। हमारा मानदेय ना तो हमको महीने में समय पे मिलता है, ना हमको ये पता चलता है कि हमारा समय पे मिला है, समय पे वेतन है कि यह इस महीने का है कि 2 महीने पुराना पैसा दिया है, ये कुछ भी हमको ज्ञात नहीं होता है। और हमारी कार्यकर्ताएँ हर कार्य को तत्पर होकर करती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता बेईमानी करती हो। सारी कार्यकर्ता अपना कार्य तत्परता से करती है, उसके बावजूद भी हमारा 10,000 रुपये वेतन है, हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करा जाए। क्योंकि जो आता है अधिकारी वो कहता है 1 मिनट में सेवा समाप्त। अरे ऐसे कैसे सेवा समाप्त कर लोगे, हमने तो पूरी ज़िंदगी इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए निकाल दी और आज हमारी सेवा समाप्त करने का फट से चुटकी बजा देते, ये हम सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे वेतन समय पे दिया जाए, 10,000 में भी हमारा घर चलता है। अगर हमारे समय पे वेतन नहीं दिया जाएगा तो हमारी कार्यकर्ताएं कैसे अपना घर चलाएंगी? जब हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारे बच्चे और हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत करेंगी? ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, विभाग को भी सोचना चाहिए। तीसरी बात कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और चौथी बात, कम से कम हमको 18,000 रुपये वेतन दे और 9,000 सहायिका को दे, जिससे कि हमारे घर आराम से सुविधाजनक चल सके और हम भी तनाव मुक्त होकर कार्य करें। क्योंकि जब भी पैसे की तंगी आती है महिलाएं तंग हो जाती है, और जब महिला तंग होगी तो कभी भी प्रशासन की सारी योजना सफल नहीं होगी। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन महिलाओं को सबसे नीचे कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन दिया जाए। सब मांगे नहीं होने पर क्या करेंगे आप? धरना देंगे और भोपाल जाएंगे और आगे और दिल्ली तक भी हम जाएंगे वापस। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो बजट दिया उसमें हमारे लोगों का नाम भी नहीं लिया। अरे कोरोना काल में हमने जितना कार्य किया उस कार्य की प्रशंसा ही कर देते ना तो भी हमको तसल्ली होती। आशा कार्यकर्ता के कार्य की प्रशंसा करी और आंगनवाड़ी का नाम नहीं लिया। अरे हम क्या डूब के मर जाए क्या? इतना कार्य करा हमने, एक एक को 10-10 रुपए में बनवा के सिलवा के मास्क बांटे हैं। एक एक घर में हम बीमारी को छोड़ के गए, बीमारी लग जाएगी ये डर हमने छोड़ दिया। क्यों हम इंसान नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री को नहीं दिखना चाहिए तो क्यों उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया? हमको प्रशंसा भी नहीं दी, ये भी नहीं कहा कि हम तुम्हारी प्रशंसा करते। आशा कार्यकर्ता
कार्यकर्ता की प्रशंसा करी पर हमारी प्रशंसा नहीं करी। टीके तो लगवा दिया हमको भी और टीके हम लगवाएंगे और पब्लिक को भी हम प्रचारित करेंगे, उनको भी हर तरह से उनको लगवाएंगे, लेकिन हमारे कार्य की प्रशंसा तो करो कम से कम। वेतन नहीं दे सकते समय पे, पैसा नहीं बढ़ा सकते, सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रशंसा तो करो। ये इससे भी वंचित रहोगे तो हम कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे? हमारे भी दिल है और हमारे भी बच्चे हैं, उनको पालन करना है हमको। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना दीक्षित। राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.